बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद है और आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ सब्ज़ियों के हवाले से इंशाल्लाह बताएंगे। ये आलू बड़ा पसंद आया है तो इसलिए मैंने वीडियो यहाँ से स्टार्ट की। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी के आलू हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। ये क्या रेट है? 280 रुपए का 5 किलो दे रहे हैं, 2200 रुपये। और जो छोटे मोटे नरम गरम ये जो है ये 250 रुपए का है। अच्छा, ये 250, ये वाला 280 का। ठीक है, शुक्रिया। सफ़ेद आलू जिनका इस्तेमाल काफ़ी कम है इस्लामाबाद में, वैसे ये कुछ भी इस पर नहीं है, बिल्कुल उस जैसा ही है, लेकिन असल में ये ज़्यादातर पेशावर, लड़काना, कराची में इस्तेमाल होता है और इसका यहाँ पर 170 रुपये का 5 किलो है इसका रेट जो है। ये मिस्र के प्याज हैं, आप देख रहे हैं इसका रंग थोड़ा काला सा होता है। 1000 रुपये का 5 किलो दे रहा हूँ, 1050 का, 1050 का ये 5 किलो दे रहे हैं। सिंध का पुलकारा प्याज, खुशक प्याज, माशाल्लाह ये बेस्ट क्वालिटी प्याज होते हैं, इसमें पानी काफ़ी कम होता है, जल्दी ब्राउन होने होता है, घी का इस्तेमाल भी इसमें कम होता है और इसका रेट चल रहा है 1100 रुपये का 5 किलो। मिर्ची का रेट जो है 350 रुपये का 5 किलो है, 70 रुपये किलो। और कटी क्या रेट है? 350 रुपये का 5 किलो। अच्छा, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि ये कटी और लीमू में क्या फ़र्क है, लेमन में? तो ये जो होता है ये ज़्यादा तुरश होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये होता है कि ये गोल होते हैं, लीमू जो होता है वो थोड़ा लम्बूतरा होता है और बेहतर रहता है सेहत के लिए, थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, इसमें मतलब तेजाबियत जो है बहुत ज़्यादा होती है। दोनों ठीक है सेहत के लिए, लेकिन ये है कि वो थोड़ा बेहतर रहता है, इसलिए वो महंगा भी होता है। अगर ये 350 का है, अगर इन दिनों में वो होता तो 1000 रुपये, 1100 रुपये का होता। हाँ नहीं भाई, वो गाजर क्या रेट है जो अच्छे वाले आप भर रहे हो? 300 रुपये। और ये वाला मिक्स 1200 रुपये मन? वाह वाह, मतलब ये कि सस्ता है, 150 का है। टिंडा 250 रुपये का 5 किलो है, 50 रुपये किलो। और कीरा जो है 220 रुपये का जो है ना 5 किलो चल रहा है, जो बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालोगे तो फिर वो 250 रुपये का 5 किलो, यानी 50 रुपये किलो। मूली 100 रुपये गड़ी है, और धनिया 80 रुपये के 5 गड़ी, और साग सरसों का 100 रुपये के 5 गड़ी मेरे ख्याल में। और पालक क्या रेट चला रहे हो? 120 के 5 गड़ी। मेथी नहीं लगाए? ख़त्म हो गए मेथी, वैसे क्या रेट है? 120 के 5 गड़ी। चली जो है ये आप देख रहे हैं 200 रुपये के 5 किलो है, 40 रुपये किलो। बन गोभी 150 रुपये का 5 किलो है, काफ़ी सस्ता चल रहा है आजकल, यानी 30 रुपये किलो। और मटर का क्या रेट है? मटर जी दरमियाने 300 रुपया। और अच्छे वाला क्या रेट है? 400 रुपये का 5 किलो। और ये मालू टिंडा दरमियाना 200 का, 250 रुपये का, ये अच्छे वाला 250 का। और गोल बैंगन क्या रेट है? 300-250 रुपये का 5 किलो। शलजम अच्छे वाला 200 का, और ये क्या रेट है? 100-120 रुपये का 5 किलो। तोरी ये वाला 500 रुपये का 5 किलो है, जो अच्छे वाला है उसमें वो 600 रुपये का 5 किलो है। साथ लौकी पड़ा हुआ है, लौकी जो है ये तो 350 रुपये का 5 किलो, इसमें जो अच्छे वाले वो 400 रुपये का 5 किलो है। हाँ चाचा रियाज हो, क्या रेट है लहसुन? लहसुन भाई जान 1400 रुपये, चाइना 1400 रुपये का 5 किलो। और थाईलैंड वाला अदरक 1300 रुपये का 5 किलो। करेला अच्छे वाला 600 रुपये का 5 किलो है। और देसी मिर्ची जी 500 रुपये का 5 किलो। गोल कद्दू 400 रुपये का 5 किलो है। और मोंगरा 400 रुपये का 5 किलो। भिंडी क्या रेट है? 1400 रुपया, ये अच्छे वाला 1400 रुपये का 5 किलो है। और चिकंदर 300 रुपये का 5 किलो। और अरबी 600 रुपये का 5 किलो। इन्होंने ये सैंपल के तौर पे रखे हुए, उनके पास स्टॉक लगा हुआ होता है, जिनको चाहिए वो फिर ये दे देते हैं। करेला ये वाला नॉर्मल क्वालिटी का, ठीक है, ये 350 रुपये का 5 किलो है, 70 रुपये किलो दे रहे हैं। और फ्रेश बीन 60 रुपये किलो है, 300 रुपये का 5 किलो। सिंगाड़ा सामने देख रहे हैं 500 रुपये का 5 किलो है। शकरकंदी भी जो है 500 रुपये का 5 किलो है। और फूल गोभी जो अच्छे क्वालिटी के है वो 200 रुपये का 5 किलो है। हाँ जी, पुदीना क्या रेट है? 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये दर्जन। और सलाद के पत्ते? 60 रुपये दर्जन। लाल मूली 150 रुपये, 150 रुपये दर्जन।
ये देख रहे हैं, ये है इस्लाम आबाद सब्ज़ी मंडी का पोजीशन इस वक्त। ये मुख्तलिफ सब्ज़ियों के शिमला जो है 70 रुपये किलो चल रहा है और सब्ज़ियों के रेट काफ़ी डाउन चल रहे हैं। अल्लाह करे इसमें दोनों की भलाई, आवाम का भी, ज़मींदार का भी, और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला खुशहाली की तरफ लेके जाए, ये हमारी दुआ है। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए और हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे आवाज़ जो है ना घर घर तक पहुँच सके और आपको घर बैठे तमाम तर इस्लाम आबाद और दीगर सब्ज़ी मंडियों के, पाकिस्तान के दीगर सब्ज़ी मंडियों के मालूम मिले। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे बेहतर से बेहतर सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों प्यार मोहब्बत का। अल्लाह हाफिज़।